सुप्रभात बच्चों, कक्षा पहली, विषय हिंदी, पाठ दो, उपविषय चंद्रबिंदु का प्रयोग, व्याख्यान संख्या दो। प्यारे बच्चों, आज हम चंद्रबिंदु का प्रयोग सीखेंगे। साथ ही साथ गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में आज हम जो मैं चाहूँ पढ़ेंगे और उसके अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, पाठ दो, जो मैं चाहूँ, ये कविता है जो चंद्रबिंदु की मात्रा से बनी हुई है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हो जाए वह जो मैं चाहूँ। देखिए, ह में बड़े उ की मात्रा है और चंद्रबिंदु भी लगा हुआ है। ठीक है, फिर से पढ़ें। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, तो देखिए चाहूं, इसके नीचे पेंसिल से आप रेखा खींचेंगे। चाहूं, जाऊं, इसके नीचे भी हम रेखा खींचेंगे, है ना। अब चलिए आगे पढ़ती हैं। आसमान में तेज हवा सी दूर दूर तक उड़कर आऊं, आऊं, है ना। आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊं। आगे पढ़ते हैं। घर आंगन की खिली धूप में, अब देखिए आंगन, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। दाना तिनका चुन कर लाऊं, लाऊं के नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ऊंचे, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। पेड़ों पर मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं, कूदूं, शोर मचाऊं। अब देखिए, उछलूं, कूदूं, शोर मचाऊं। देखिए, इन सब में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है ना। आगे देखिए। कभी चांद, हमने चांद सीखा था ना, कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं। अब देखिए, पहुंचूं, इसके नीचे हमने रेखा खींच दी। आँखें, ये देखिए, मूंद, मूंद पे रेखा खींचेंगे। वहीं सो जाऊं, जाऊं के नीचे रेखा खींचेंगे, है ना। देखिए, इसमें कितने सारे शब्द दिए गए बेटा, जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। ऊंचे, ऊंचे, उछलूं, कूदूं, मचाऊं, चांद, पहुंचूं। देखिए, इसमें दो दो बार चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आंखें, मूंद, जाऊं, ठीक है। देखिए, यहाँ जाऊं, यहाँ मचाऊं, यहाँ लाऊं। देखिए, दिया गया है ना चंद्रबिंदु का प्रयोग। तो आपको भी ध्यान से इन शब्दों का
अभ्यास करना होगा, पढ़ने का भी बेटा और लिखने का भी। चलिए एक बार इसे फिर से गुनगुनाते हैं। अभी हमने इसे पहले पढ़ लिया और फिर साथ ही साथ चंद्रबिंदु के शब्दों पर हमने रेखा भी खींच दी। चलिए अभी इसे इस तरह से गुनगुनाते हुए सीखते हैं, ठीक है। हो जाए वह जो मैं चाहूं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं। हो जाए वह जो मैं चाहूं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं। आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊं। आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊं। घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलू कूदूं शोर मचाऊं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलू कूदूं शोर मचाऊं। कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। तो बेटा अभी हमने जो मैं चाहूं कविता को पढ़ा, है ना। अच्छी लगी ना आपको ये कविता। देखिए कविता में एक बच्चा है जो क्या चाहता है कि चिड़िया बन जाऊं। वो सोच रहा है जो मैं चाहूं अगर वैसा हो जाए और कहीं मैं चिड़िया बन जाऊं तो क्या करना चाहता है। आसमान में तेज हवा से उड़कर जाना चाहता है कि वो आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊं। वो खूब दूर तक उड़ना चाहता है। फिर आगे क्या कहता है, घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुन कर खाऊं। अब वो सोच रहा है कि जब मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं। घर के आंगन में जब धूप हो तो जैसे चिड़िया दाना चुनती है ना, खाती है ना अपनी चोंच से धीरे धीरे दाना, तो सोच रहा है वैसे मैं भी दाना तिनका चुन कर लाऊं। अब यहां देखिए अभी क्या सोच रहा है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलू कूदूं शोर मचाऊं। जैसे चिड़िया क्या करती है, ऊंचे पेड़ पर जाकर के बैठ जाती है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे उड़ के जाती है ना। तो वैसे ये भी सोच रहा है कि अगर मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उछलू कूदूं और शोर मचाऊं। और साथ ही साथ और क्या सोच रहा है, कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, क्योंकि जैसे चिड़िया आपको दिखाई पड़ती है आसमान में खूब दूर तक उड़ के जाती है, वैसे ही सोच रहा है कि मैं उड़कर चांद तक पहुंच जाऊं और वहां जाकर क्या करना चाहता है, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं और चांद के पास पहुंच करके आंख बंद करके सो जाना चाहता है। तो अभी हमने कविता पढ़ी जो मैं चाहूं। चलिए बेटा एक बार इन कठिन शब्दों की फिर से दोहराई करते हैं। चाहूं, जाऊं, आऊं, आंगन, लाऊं। आगे देखिए ऊंचे, ऊंचे, बड़े ऊ में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और च में एक ही मात्रा लगी हुई है। ऊंचे, ऊंचे, उछलू। देखिए ल में बड़े ऊ की मात्रा भी है और चंद्रबिंदु का भी प्रयोग किया गया है। उछलू, कूदूं,
इसमें देखिए दोनों में बड़े उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। कु दू द में बड़े उ की मात्रा भी और चंद्र बिंदु भी है। अभी देखिए म चा ऊ, देखिए बड़े उ में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है ना, मचाऊ चांद। देखिए च में आ की मात्रा है और बेटा जहाँ आ की मात्रा आएगी चंद्र बिंदु आ की मात्रा के ऊपर ही लगेगी, ठीक है बेटा, चांद। अब देखिए पहुँ चू, ह में छोटे उ की मात्रा भी है और चंद्र बिंदु भी है, च में बड़े उ की मात्रा भी है और चंद्र बिंदु भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहुँ चू लिखना है अगर आपको तो ह में छोटे उ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और च में बड़े उ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आँखें, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है। ये मालूम है क्या है, हमने वचन बदलो सीखा था ना, एक वचन बहुवचन आँख आँखें। देखिए जब हम बहुवचन बनाते हैं तो एक की मात्रा के साथ में बिंदु लगाते हैं ना, देखिए लगी हुई है ना, तो आपको इसे ध्यान रखना है। आँखें मूंद, देखिए म में बड़े उ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जाऊं जाऊं, तो बेटा अभी हमने पढ़ लिया जो मैं चाहूं। अब चलिए आगे चलती हैं। ये देखिए बेटा ये क्या है आ, और ये है चंद्र बिंदु, और हम क्या कर सीख रहे हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग। देखिए हमने कल किया था ना इस कार्य को, दांत आँख चांद सांप कु आ बांसुरी, हमने कल इन शब्दों को सीखा था। अब देखिए अगर ये चित्र आ जाए तो आप लिख लेंगे ना इनके नाम, है ना आसान। चलिए आगे करते हैं, पढ़िए और समझिए। इनमें से कुछ शब्दों को मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन अब आप मेरे साथ इन्हें पढ़िए, ठीक है बेटा। अंगूठी, कल हमने सीखी थी ना अंगूठी कैसे लिखते हैं, अंगूठी। सांच बंगला, ये मैंने सिखा दिया है आपको। गांव, ये भी सिखा दिया। पूंछ, ये देखिए प में बड़े उ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु पूंछ। आंवला, आंवला भी मैंने आपको लिखना सिखाया। अब इसे पढ़िए चांदी, बेटा चांद लिखना है और द में बड़ी की मात्रा लगा देना है, क्या बन जाएगा चांदी। ऊंट, देखिए बड़े उ में चंद्र बिंदु और ट ऊंट। अभी देखिए सांवला, जैसे आपने सांप लिखना सीखा था स में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु व ला सांवला। तो देखिए अब आप लिख लेंगे ना, जैसे आंवला वैसे सांवला, ठीक है। अब इसे देखिए मुंह, म में छोटे उ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु ह मुंह। अब ये क्या लिखा हुआ है, कांप, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं अंधेरा, अब इसे पढ़ेंगे दाया, देखिए बेटा या के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई ना, या आपको द में नहीं लगाना है, या में आपकी मात्रा और आपकी मात्रा के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। धू आ धुआं, लंग ड़ा, अब देखिए ल के ऊपर चंद्र बिंदु आया है तो आपको ल के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाना है बेटा, ठीक है। बाया, यक में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तांगा, त में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु है, ठीक है। तांगा,
अब ये देखिए थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। देखिए, ह के ऊपर चंद्र बिंदु, स हंस, म में छोटे ओ के मात्रा, मुख हंस मुख। तो देखा इन शब्दों को हमने कितनी आसानी से पढ़ लिया। का गृह कार्य, प्यारे बच्चों आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 67-68 करो। बेटा जो आज हमने अभ्यास कार्य किया है ना, उसे आपको सुंदर लेख में करना है और पढ़ पढ़ के करना है। साथ ही साथ आज जो हमने पढ़ा है उसे आप पढ़ेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं व्याख्यान संख्या एक में दिए गए गृह कार्य की। व्याख्यान संख्या एक में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि दिए गए शब्दों को देखकर लिखो। आपको इन शब्दों को देखकर लिखना था। देखिए पहला शब्द क्या दिया था मैंने, गांव। दूसरा सांच। तीसरा कांप। चौथा पांव। पांचवा मांग। छठा देखिए, कांटा। तांगा। मां। दाया। बाया। लंगड़ा। बंगला। तो आपको इन शब्दों को देखकर सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर इस तरह अपनी कॉपी में लिखना था। आपने इस कार्य को लिख भी लिया, तो बेटा आपको इन शब्दों को दोहराना भी है। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।